वज्र गुणन विधि, दो समीकरण आपका दिया है, इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम y का गुणांक लिखेंगे, उसके बाद अचर पद लिखेंगे, उसके बाद x के गुणांक लिखेंगे और पुनः y के गुणांक लिखेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ ऊपर से गुणा करते हैं। अब ये पद आपका x के लिए होगा और ये पद आपका y के लिए होगा और ये पद आपका 1 होगा। तो अब लिखोगे x बटे, अब इसमें पहले तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे b1 c2, b1 c2 माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे b2 c1 बराबर। अब ये y बटे c1 a2, c1 a2 माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे c2 a1 बराबर। अब ये 1 बटे, अब इसमें गुणा करेंगे a1 b2 माइनस, अब इसमें गुणा करोगे, अब इसमें गुणा करोगे तो a2 b1। अब इसमें x और y का मान निकालना है, तो एक बार इस x वाले पद को लेंगे और एक बार अंतिम पद को लेंगे, इन दोनों पदों को लेकर हल करेंगे। तो x आपका यहीं पे रहेगा और इसमें आप तिर्यक गुणा कर दोगे तो ये आपका x का मान निकल जाएगा। अब y वाले पद को लेंगे और फिर एक बार हम अंतिम पद को लेंगे, इन दोनों पदों को लेंगे, फिर आप इसमें तिर्यक गुणा कर दोगे और बटे ये पद ऐसे है, तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकल जाएगा और इस तरह y का मान निकल जाएगा। तो यह आपका वज्र गुणन विधि हुआ। वज्र गुणन विधि, दो समीकरण आपका दिया है, तो सबसे पहले हम y के गुणांकों को लिखेंगे, उसके बाद हम अचर पद को लिखेंगे, उसके बाद x के गुणांक को लिखेंगे और अंत में फिर हम y के गुणांक को लिखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सूत्र आपको बताया था। अब देखिए, ये पहला पद x के लिए, ये आपका y के लिए और ये आपका 1 के लिए। तो आप लिखोगे x बटे, अब इसमें तिर्यक गुणा करोगे, 1 से -33 में गुणा करोगे -33, माइनस होता है सूत्र में यहाँ पे, लेकिन जब इसमें आप तिर्यक गुणा करोगे तो 150 होगा, -150 तो +150 हो जाएगा बराबर। अब इसमें तिर्यक गुणा करोगे तो ये आपका -60, और यहाँ पे माइनस होता है सूत्र में, तो जब इसमें तिर्यक गुणा करोगे माइनस है तो -99 होगा, तो +99 हमने लिख दिया बराबर 1 बटे। इसमें तिर्यक गुणा करोगे 15 माइनस, इसमें गुणा करोगे 2, ये आपका x बटे 150 में से 33 को घटाओगे तो 117 बराबर। y बटे 99 में से 60 घटाओगे तो 39 बराबर 1 बटे 13। अब x और y का मान निकालना है, तो x वाले पद को लेंगे और एक बार अचर यानी अंत वाले पद को लेंगे, इन दोनों पदों को हमने ले लिया। अब इसमें हमने तिर्यक गुणा कर दिया, 117 बटे 13 हो गया और x बराबर 117 बटे 13 निकल गया। अब y का मान निकालना है, तो y वाले पद को और अंत वाले पद को लेंगे, इन दोनों पदों को हमने ले लिया। अब इसमें हमने तिर्यक गुणा कर दिया तो 39 बटे 13 हो गया, तो ये आप 13 से कटाएंगे तो 13 या 39, तो y बराबर आपका 3 हो गया। तो x बराबर आपका 117 बटे 13 और y बराबर आपका 3। इस तरह वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करते हैं।